तो जी आज सवारी जा रही है कैंपिंग करने के लिए बॉल्सम लेक। बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है, सारी हमारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी पैक कर ली है, सारा सामान भर लिया है और देसी मोम भी गाड़ी में जाके बैठ गई है। आपको दिखाते हैं, सामने जा रहे हैं मिस्टर वशिष्ठ। तो जी ये तैयारियां हैं, पूरी सब सामान कैंपिंग का पैक हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज तो मम्मी आप बिल्कुल छा रहे हो, क्या बात है, आपके पूरी आउटफिट दिखानी चाहिए, काफी पतले भी लग रहे हो आज। हां जी, हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जिंदगी में पहली बार, तो थोड़ी इसीलिए आप इतनी ज्यादा ग्लो कर रही हो, उत्साहित हो रही हूँ कि कैसा होगा कैंपिंग। जंगल में आपको वैसे भी बहुत मजा आता है ना कैंपिंग करने में, पता नहीं अब कैसा होगा ये अनुभव, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो मैं और मेरा परिवार आज जा रहे हैं बॉल्सम लेक पे कैंपिंग के लिए, और जैसा जैसा होगा तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, आप भी चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिस्टर ऋषि से हाय। ही इज द आर टूर ऑर्गेनाइजर, तो इन्होंने आज हमारा कैंपिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। बाकी अब वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। इस तरीके से पार्किंग स्लिप ये लोग दे देते हैं, जिसको आप अपनी गाड़ी में छोड़ के जा सकते हैं। पार्क एकदम साफ सुथरा, शांत, वेरी नीट एंड क्लीन है। मम्मी की शक्ल देखिए, मम्मी कितनी डरी सहमी हो गई है अभी। डर तो लगता ही है भाई, डर खत्म है। ड्यू तुम लाए नहीं हो? क्या नहीं लाए? ड्यू जूस, लैम जूस है। डर के आगे जीत है ना, सही भी है ना। मतलब कैंपिंग साइट के पास हम पहुंचने ही वाले हैं, बस हमने बुक किया है 519 और ये बाकी सारी साइड में आ रही हैं। तो जी ये है हमारी कैंप साइट, काफ़ी बड़ी है। हमें इस कैंप साइट पे क्या मिला है आपको दिखाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे से ढकी हुई कैंप साइट, और मुझे हमेशा पार्शियल शेडेड अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सन आपके सर पे नहीं आता। और दो बेंचेस हैं और उसके उस साइड पे है जो हमारा देसी चूल्हा, जिस पे हम आग वाग लगा कर बारबेक्यू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारी कैंपिंग साइट है, अभी बाकी का काम शुरू करते हैं। What?
नमस्कार, आइए, आपका 519 में स्वागत है। 519 में स्वागत है। चलिए देखिए हमारा आशियाना एक दिन के लिए। एक दिन के लिए यह है हमारा रथ जिस पे से हम आए हैं बैठ के, और यह है हमारी फाइनल टेबल्स और हमारी किचन। तो यह है हमारी डाइनिंग टेबल जिसे हमने अभी बस थोड़ा सा सजा दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और ये हमने मिनी ढाबा स्टार्ट करना शुरू करा है बालसम लेक पे, जिस पे अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारी मिनी किचन जिस पे अब खाना वाना बनने वाला है। सिलेंडर इसमें लगा हुआ है। भाई लोग बहुत थक गए हैं, मेरे को बार बार देख रहे हैं कि खाना कब बनेगा। तो अभी हम चाय पराठे शुरू करते हैं, लंच करते हैं और फिर अपना आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू शाम में करेंगे। और ये है हमारा आशियाना जिसमें आज हम आज की रात बिताने वाले हैं। इसके अंदर का भी आपको थोड़ी देर में टूर देते हैं, उससे पहले लड़के बिल्कुल भूख से बिल बिला रहे हैं तो इनके लिए पहले नाश्ते की तैयारी की जाए। तो चलिए मैं अब नाश्ता बनाते हैं, मम्मी चाय स्टार्ट करते हैं। चलिए रखो। तो जब आप आए और अगर आप देसी हैं हमारी तरह तो इसी तरीके की तैयारी करके लाएंगे तो आपको फुल आनंद आएगा। प्रकृति की गोद में देखें, पानी लाओ भाई, प्रकृति की गोद देखो, ऊपर पेड़ पौधे दिखाओ, कितना बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ी कैंप साइट है हमारी। देखा जाए तो इस पर टेबल भी दो है और बहुत सारा स्पेस है। हम चाहे तो फ्रिज भी यहीं पर भी खेल सकते हैं, तो वो सब भी करेंगे। बाकी अभी हमारी झाड़ू भी है, ये मम्मी ने यहाँ पे प्रकृति की झाड़ू मम्मी और शोम ने बनाई है कुछ भी सफाई करने के लिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं चाय का प्रोसेस। पहले मीठे से ही शुरू किया जाए। हाँ, मीठे में क्या है? चाय। हाँ जी, ठीक है। शुभम उससे पहले बेहोश होकर गिर जाए तो हम चाय बना लेते हैं। और ये हम लाए हैं फ्रोज़न पराठे पनीर के, अभी इनको बना के देखते हैं। हमने कभी वैसे फ्रोज़न पराठे कभी खाए नहीं है जब से कैनेडा आए हैं, तो ये इंस्टेंट प्लान था तो हमने कहा ये बेस्ट ऑप्शन है, बने बनाए ले चलते हैं, वहाँ जाके गर्म करके खाएंगे। और जी हमारे पराठे ऑलमोस्ट क्रिस्पी सिक रहे हैं मस्त। और चाय में अब दूध डाला जाए। मम्मी आओ जा, ऐसा लग रहा है हमने जंगल के बीचों बीच ढाबा स्टार्ट कर दिया है, जाने वाले हैं। अभी हमारे कस्टमर्स आने वाले हैं। और इधर हमारी सब्जी तैयार हो रही है चूल्हे पे, उधर परांठे और चाय तैयार हो रही है। ये कुछ लच्छे परांठों की वैरायटी बन रही है और ये यहाँ पे अच्छे से फीस्टिंग चल रही है। मैं भी जाके एक टुकड़ा खा के आती हूँ। इसकी चाय में शुगर फ्री डाल दो ना। बस साथ में हम खा रहे हैं पाव भाजी। कैसा है जी? तो देखिए बालसम लेक पे मेरा रूम यानी कि मेरा आशियाना कैसा है। देखिए इसमें गद्दा डाला हुआ है और ऊपर ब्लैंकेट है आराम से सोने के लिए, आराम फरमाने के लिए। देखिए दो प्लेयर चल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये देखो पूरा। तो अब जी हम जा रहे हैं आगे बीच पे। सबसे अच्छी बात इस कैंपिंग साइट की है कि ये एकदम बालसम लेक के एकदम पास में है। हाँ जी, हैप्पी हैप्पी। मम्मी को बहुत ही मजा आ गया। अब मम्मी का ऐसा दिल है कि बस यहाँ से जाए ना, यही बस जाए, मम्मी को ऐसे ही लगता है। तो जी ये है बीच के नज़ारे, काफी साफ सुथरा बीच है जो कि कनाडा में मोस्टली सारे बीचेस ही ऐसे होते हैं। और सब लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हम भी अब बस पानी में जाने वाले हैं। भाई जो हमारे लिए कैप लेके आया है, थैंक यू। लो जी मम्मी जी बन जाओ एलिजाबेथ। वो तो दुनिया चले गए तो छोड़ के चले जा चुके। देखिए क्वीन रेनू बाला
लाइक शेयर। ये शूटिंग करता वाला पे क्या शूटिंग करता। आओ चलो चले आगे का। सो बालसम लेक के जो बीच है वो बहुत ही बढ़िया है। पहले तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं है और थोड़ी थोड़ी जगह पे पिकनिक टेबल डाला हुआ है, तो अगर आप कुछ नहीं भी लेके आए तो आपको देखो ऐसे जगह जगह पे पिकनिक टेबल्स मिल जाएंगे जहाँ आप बैठ सकते हो। बहुत ही सुंदर दिव्या मेरी सहयोगी जूस पी रही है ठंडे पानी में खड़े होगा ठंडा। हेलो गाइस जूस पी लीजिए। हेलो गाइस जूस पी लीजिए। अनुभव बताइए कैसा लग रहा है आपको बालसम लेक पे आके। बालसम लेक पर आने का तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही वर्णन कर सकती हूँ। अद्वितीय अविस्मरणीय अकल्पनीय इतना अच्छा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना ठंडा ठंडा पानी की भी तो सेक आ रही है। धूप तो थोड़ा सा बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। ये मम्मी ओवर एक्टिंग कर रही है थोड़ी ज़्यादा। लग रही है पीछे गिर जाए देख लो। अपने आशियाना में जाके हम चाय पियेंगे गरम गरम और पकौड़े पकौड़े भी देखते हैं अगर समय बचा तो पकौड़े भी खाएंगे और गपोड़े और गपोड़े। मम्मी जी फेमस और हर मम्मी की फेवरेट रेसिपी जो मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं उस रेसिपी का नाम है गपोड़े। अब हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, चेंजिंग रूम जा रहे हैं शावर लेके। अपना चेंज वेंज करेंगे, रात की तैयारी करेंगे और आपको थोड़ा सा शावर वगैरह भी इनका दिखाते हैं कि साफ़ है बाथरूम नहीं है तो वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने हमने ऑलरेडी एक बार यूज़ किया था, सोचा आपको एक बार दिखा भी देते हैं। तो ये इन्होंने शावर रूम लिया है कि बीच से आने के बाद आपको शावर लेने हैं तो आप शावर ले सकते हैं। और ये नॉर्मल वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है इन कंपैरिजन टू दी अदर प्लेसेस, तो काफ़ी सही है। बाकी और क्या ही दिखाएं आपको। ये कुछ इस तरीके के शावर रूम्स हैं, अब आपको दिखाते हैं शावर रूम्स भी कैसे हैं। परफेक्ट वॉशरूम बने हुए हैं, यहाँ पे आराम से चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से आग लगाई जा रही है, आग सेक भी रहे हैं। खाना बनाने की भी तैयारी की जा रही है। रात हो रही है ना, संध्या हो रही है और जल गई। तो ये कुछ टिप्स भी हैं अगर नेक्स्ट टाइम आप भी आ रहे हैं तो इस तरीके की आप शीट्स खरीद के लेके आ सकते हैं डॉलरामा से, जिस पे रख के आप बड़े आराम से साफ सुथरी तरीके से बारबेक्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रिल तो काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। कम धुआं लग रहा है, तो ये तरीका अच्छा है साफ सुथरे तरीके से बारबेक्यू करने का। Hi. How are you feeling, guys? Feeling so good, so blessed. तो ये है कुछ माहौल रात का, वैसे तो एकदम गुप अंधेरा होने को है, 8 बज गए हैं शाम के। और आई डोंट नो आप लोगों को कितना दिख पा रहा होगा, बट ये है कुछ रात का नज़ारा। आप ऐसी पोर्टेबल लाइट्स जरूर अपने साथ लेके आए, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। देखिए मम्मी सुंदर है, मम्मी आप इसको लेके गाना गा सकते हो, गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर। बस लोगों को और नहीं पकाते हैं। सो द थिंग इज इस तरीके से अभी हमारी रात के सिर्फ 8:30 ही बजे हैं, अंधेरा अच्छा खासा हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा तो अभी उजाला है लेकिन पेड़ों की वजह से काफ़ी अच्छा अंधेरा है। पीछे हमने थोड़ा म्यूजिक चलाया हुआ है, वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है
और फिर से चाय की फरमाइश आई है माता जी से, तो अभी मैं चाय बनाने लगती हूँ। और इस तरीके से अभी हम अपनी इवनिंग स्पेंड करने वाले हैं, कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ डांस मस्ती करेंगे और जैसे जैसे जो रिकॉर्ड कर पाए आपको ज़रूर दिखाएंगे। हाँ जी मम्मी जी, क्या खा रहे हो? पनीर टिक्का। कैसा बना है? एकदम लाजवाब। किसने बनाया? मेरे सहयोगी दिव्या सिस्टर। कोई दो शब्द उसकी तारीफ में कर दीजिए। उसकी तारीफ मैं क्या करूं? ओहो हो, आलसी हो आप, तारीफ भी नहीं करना चाहती हो? बताओ, काम भी करवा लिया, तारीफ भी ना करो। उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। ओह माय गॉड, रियली? ओके, चलिए एंजॉय करिए। खाना नहीं आता पर खाना आता है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। चलो आप एंजॉय करो। तो ये हमने चाय बना दी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और जैसे कि कोई भी कैंपिंग बिना मैगी के तो पूरी हो नहीं सकती है, तो यहाँ बन रही है हमारी मैगी जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। केड़ी बन गई है, उसको ओवरकुक नहीं करते हैं। और बनी है अदरक वाली चाय, तो अदरक वाली चाय के साथ मैंने अपना डिनर कंप्लीट। मम्मी बिल्कुल सेट हो चुकी है, एकदम सेट सेट। चलिए जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब केड़ी उतार लो। तो जी मैगी हमारी तैयार है, अब इसको सर्व करते हैं और इंजॉय करते हैं हमारा डिनर। बाकी आप देख लो कितना गुप अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, कहीं दूर हमारा वहाँ पे कहीं टेंट है। और अब हम अपना डिनर करते हैं और ऊनो खेलते हैं। तो रात को अब खूब अंधेरा है, और जब भी आप कैंपिंग करें तो एक बात बहुत ध्यान से रखें कि कोई भी खाने की चीज़ है वो, तो हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते, उसको आपको अपनी गाड़ी में बंद करके रखना है, क्योंकि कुछ भी खाने की स्मेल से जानवर अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो हमने सब कुछ पैक कर दिया है, पैक करके हम उसको गाड़ी में वापस रख देंगे और अब सोने की तैयारी करते हैं। अंदर बहुत बातें चल रही हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का क्या माहौल है। हाँ जी मम्मी जी, क्या टाइम हो रहा है? अब रात के 11:30 बज चुके हैं। हम आपको बाकी का नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से अंधेरा है, और सेफ्टी का तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 20 मिनट के बाद एक गाड़ी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है वो आके चेक करती है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर है या पूरा अंधेरा, जिसकी वजह से हम आपको बाकी वीडियोस अच्छी तरह नहीं दिखा सके, क्योंकि हमने यही लालटेन जगला के यहाँ खाना बनाया, खाया, मैगी बनाई, चाय बनाई, मस्ती की। अब फाइनली सोने का समय हो गया, सारा दिन हमने खूब मस्ती की। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।